श्री मुक्तसर साहिब दे विच इक व्यक्ति ने शहर दे मशहूर डॉक्टर अते उसदी पत्नी तो तंग आके आत्महत्या कर ली है। मृतक ने अपने खेतर दे विच बनी मोटर ते दरख्त दे नाल फाहा लैके अपनी जीवन लीला समाप्त कीती है। मृतक नरिंदर सिंगला पिंड रूपाणा दा रहण वाला है, जिस दी जेब दे विचो इक सुसाइड नोट भी मिलिया। इस विच उसने डॉक्टर राजेंद्र बांसल अते उसकी पत्नी भावना ते दोष लगाए ने कि उसने उन्हां तों जमीन दे मामले दे विच 85 लाख रुपए लेने सन, पर ना तां डॉक्टर अते उसकी पत्नी पैसे दे रहे सन ते ना ही जमीन वापस कर रहे सन, जिस तों तंग आ के ओह आत्महत्या कर रहा है अते उसकी मौत दे जिम्मेवार डॉक्टर राजेंद्र बांसल अते उसकी पत्नी भावना है। मृतक की मौत तों बाद पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग करदिया दोषी डॉक्टर अते उसकी पत्नी के खिलाफ बनदी कानूनी कार्रवाई करन दी मांग। मैं नरिंदर सिंगला का भतीजा तो सुबह 7 बजे का इतने आया सीगा तो घरों मतलब चला गया सी, फोन बारे नहीं मिले। इतने खेत वाले नूं फोन किया तो वह कहते भी इतने असं वेखदे कार तो उहदी खड़ी है, वेख्या तो उसे दरख्त नाल सुसाइड करे पिया सी। हुण जदों पुलिस आई है इतने उन्होंने देखा भी उहदी जेब च इक सुसाइड नोट सी जिहदे विच की लिखा होया, उन्होंने पढ़ के सुनाया पुलिस वाले ने भी इह डाक्टर राजेंद्र कोई हैगा बंसल, इहदे बच्चों का गर्ग, उहदी जिहड़ी भावना हैगी उहदी घर वाली, उन्होंने कोई लैन देन सीगा, उन्होंने कोई सौदा किया 85 लाख रुपए का, इन्होंने उन्होंने 85 लाख दे दू दिता, वह दिता नहीं पाया ना रजिस्ट्री करवाता सीगा, ते वो पैसे लैन देन का मसला है ता करके वह सुसाइड कर गया, तंग हो गया उन्होंने। ये जिहड़ी इत्थे गल कीती तुसीं, इह रूपाणा किवें इत्थे पहुंचे? रूपाणे इन्हां दी जमीन है, कितनी जमीन इत्थे? 10-11 किले जमीन है जिथे खड़े किन्ने बच्चे? किन्ने? एक बच्चा जी उन्होंने 3 महीने सौ दी मिसिज जी पहला मौत हो चुकी है कोरोना नाल, एक बच्चा उन्हों का 15 साल का है जी। असं मांग करते हैं जो इंसाफ मांग करते हैं, जी भी कबंदी कार्रवाई की जाए उन्होंने अंदर किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਬੰਸਲ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਘਰੋਂ ਸਵੇਰ 7:45 ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਹਿਕ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਜਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? 85 ਲੱਖ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀ 'ਚ TM ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 306 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਕਿੰਨਾਂ ਤੋਂ? ਮਦਈ ਨੇ। दस दी कि मृतक दी पत्नी दी कोरोना दे कारण कुछ समा पहला ही मौत हो चुकी है, ते मृतक दा एक 15 साल दा बच्चा भी है जो हुण अपने मापिया तो बिना जिंदगी जीवन लिए मजबूर है। स्काई न्यूज़ पंजाब लिए श्री मुक्तसर साहिब तो तरसेम टोडी की रिपोर्ट। जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या PNP दे थ्रू या LMIA दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर पर सैटल होना चाहते हो, या तुसी स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सैटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो, तुसी हेठ लिखे नंबरों ते कॉल कर सकते हो। हर खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साड़े YouTube चैनल सब्सक्राइब करो, Facebook चैनल लाइक और शेयर करो।